मेरे वालों सारयां नूं प्यार भरी सति श्री अकाल। बलविंदर दी रसोई विच तुहाडा सब दा स्वागत है। दिवाली फैसटिवल आ गया है ते हर घर विच वन सवन्नियां मिठाइयां बनियां ने। तुसीं बाजार दीआं मिलावटी मिठाइयां तों बच के अपने घर विच ही हैल्दी टेस्टी मिठाइयां तैयार करो। ते असीं अज इक लाजवाब मिठाई तैयार करन लगे हां जिहड़ी तुसीं ना बनाई है ते ना तुसीं खाधी होणी है। उहनूं बनाउण वास्ते असीं लई है एक कटोरी चणे दी दाल, अद्धी कटोरी लई असी घ्यो दी, पौनी कटोरी 3/4 कटोरी असी चीनी दी लई है। ते चीनी तुसी अपने टेस्ट अनुसार भी पा सकते हो। चलो आपां मठियाई बनाना शुरू करने हैं। पहला तो असी दाल फ्राई करांगे। फ्राई पैन असी गैस उपर रख दी, इहदे विच पा दिंदे असी घ्यो। दाल असी हुण फ्राई कर लैंदे हां। दाल नूं असी लो ते मीडियम सेक दे विच ही फ्राई करांगे। ते ए मिठाई जिहड़ी बननी है बहुत ही लाजवाब बनदी है, ते तुसी भी अपने घर बना के जरूर ट्राई करियो। ये बाजार दीआं महंगीआं मिठाइयां तों किते वधिया बनदी है ते टेस्ट भी बहुत वधिया हुंदा। इहदे विच ना तुहानूं बेसन भुन्ना पवेगा ना मावे की लोड़ है, ते अपने आप च मिठाई बहुत वधिया बनदी है। जे तुहानूं मेरी रेसिपी वधिया लगदियां ने तुसी वीडियो नूं लाइक ते शेयर करियो ते चैनल नूं सबसक्राइब करियो ते प्यारे प्यारे कमेंट तुसी जरूर करिया करो, जिहदे नाल साडी बहुत ही हौसला वधाई हुंदी है ते रेसिपी बनाउण दा दिल विच चाह वी उठदा है वी नवीं रेसिपी बनाईए। देखो दाल साडी फ्राई हो गई है ते इहदा कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है। ते असी हुण गैस नूं बंद कर दिंदे हां ते असी इहनूं एक प्लेट विच ठंडा होण वास्ते कढ लैंदे हां। दाल नूं असी एक प्लेट विच कढ लैंदे हां। ठंडा करके फिर असी इहनूं पीस लवांगे। दाल साडी फ्राई हो गई है ते असी इहनूं एक प्लेट च कढ लिया ठंडा करन वास्ते। जो ठंडा हो जाएगा फिर असी इहनूं पीस लवांगे। दाल नूं ठंडा करके ते असी पीस लिया है ते असी इहनूं हुण छान लैंदे हां। असी हुण दाल नूं छान लैंदे हां कि छोटा मोटा कोई भी दाणा विच ना रह जाए। ਭੁੱਜਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਵਿੱਚ। ਦਾਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਦਾਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੀਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤੇ ਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਸ਼ਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 3/4 ਕਟੋਰੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਨੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਚਾਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਟੱਪ ਕੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚਾਸ਼ਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਾਸ਼ਨੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫੂਡ ਕਲਰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਠਾਈ ਦਾ ਕਲਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਵੇ। ਇਸ ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਾਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚਣਾ ਦਾਲ ਪੀਸੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਵੇਖੋ ਬੇਸਣ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੜਾਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੈਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਥਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਿਓ ਲਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਸ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਅਸੀਂ ਪੀਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਫੀ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ थोड़ा जहा घ्यो ला के स्पैचले नू ते असीं इहनू सैट कर लैने आ मिठाई नू असीं एक चम्मच की मदद दे नाल उपर तो प्लेन कर लिया 10-15 मिनटां वास्ते कि इहनू फ्रिज विच रख देंगे फिर असीं इहदी कटिंग करांगे इहदे उपर असीं काजू लगा दिंदे आ चाहे तुसीं चांदी का वर्क भी लगा सकते हो असी हम कटिंग कर लेने गर्म गर्म दे विच ही असी कट लगा देंगे चने दाल दी हेल्दी बर्फी साड़ी बन के तैयार है ते वेखो तुहाड़े सामने किन्नी सोहनी बनी है ते थोड़े जे टाइम विच ही बन के तैयार होगी ना सानू बेसन भुनना पिया है ना सानू इहदे विच मावे दी जरूरत पई है ते बहुत ही सॉफ्ट बनी है तुसी भी अपने घर बना के जरूर ट्राई करियो ते वेखो असी अद्धी कटोरी घ्यो दी लई सी उहदे विच सिर्फ साढ़े 2 चम्मच ही घ्यो दे फ्राई करन लग्गे लगे ने ते बहुत ही घट खर्चे विच बन के तैयार हो गई है ते तुसी भी मिलावटी मिठाइयां तो बचो ते अपने घर विच ही हैल्दी टेस्टी मिठाइयां बना के तैयार करो जे तुहानू साडी अज दी रेसिपी वधिया लगी हुई प्लीज़ तुसी वीडियो नू लाइक ते शेयर करियो ते चैनल नू सबसक्राइब करियो ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਰੈਸਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੈਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਬਾਏ ਬਾਏ